हेलो एवरीवन, आज वीडियो में हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने वाले हैं। जी टी इक्वल्स टू साइन पाइन टी इन ब्रैकेट यू टी प्लस वन माइनस यू टी माइनस वन। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है, मैंने ये मॉडुलेशन में प्रूफ करके दिखाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? अगर एफ टी का फॉरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, ठीक है, मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाई हुई है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में, और बोला था याद रखना है, ठीक है, वो क्वेश्चन में काम आएगी। अगर इसमें मैं साइन के टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन ओमेगा नॉट टी से, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या फर्क पड़ता है एफ टी के? वो क्या हो जाता है? जे अपॉन टू एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये हो जाता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करना इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो, यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, साइन पाई टी की मल्टीप्लाई हो रही है किसी एक अगले वाले फंक्शन में यू टी प्लस वन यू टी माइनस वन में। अगर मैं एफ टी की जगह यू टी प्लस वन यू टी माइनस वन मान लूं, लेट लेट एफ टी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस वन माइनस यू टी माइनस वन, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, पहले मैं एफ टी फाइंड करूंगा, जब उसमें साइन पाई टी की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये मैंने मान ही लिया, तो मेरा जी टी क्या हो जाएगा? जी टी कितना बन जाएगा? साइन पाई टी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टी, ठीक है। अब देखो, एफ टी में अगर साइन ओमेगा नोट टी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पर क्या फर्क पड़ता है? जे अपॉन टू ये ओमेगा प्लस और ये ओमेगा माइनस से शिफ्ट हो जाता है। तो ओमेगा नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? पाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो क्या बन जाएगा, जी ओ ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा? देखो, जे अपॉन टू, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? जे अपॉन टू एफ ओमेगा प्लस, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, ओमेगा नॉट की जो टी के साथ होता है वो होता है ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट पाई, तो ये कितना आ जाएगा? ओमेगा नॉट की जगह कितना रख देंगे? पाई एफ ओमेगा माइनस पाई, ठीक है। तो अब हमारा मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं, काम क्या है? एफ ऑफ ओमेगा फाइंड करना। एफ ऑफ ओमेगा फाइंड करते ही इस वाली वैल्यू में रख देंगे, ठीक है। वहां पे एफ ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा पाई भी निकाल लेंगे और ओमेगा माइनस ओमेगा पाई भी निकाल लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास एफ टी है ऑलरेडी, उस एफ टी को मैं लिख लेता हूँ। तो मेरा ये एफ टी आ गया, कितना माना हमने? यू टी प्लस वन माइनस यू टी माइनस वन, ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो निकालते हैं, देखो एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? एफ ओफ ओमेगा यू टी प्लस वन का क्या होगा? पहले यू टी प्लस वन का क्या, ये प्लस वन से शिफ्टिंग है, ठीक है, तो इसको पहले शिफ्ट किया, ठीक है, शिफ्टिंग टाइम डोमेन में शिफ्टिंग है, तो ई की पावर, मैं एक बार प्रॉपर्टी लिख देता हूँ वीडियो रोक के। देखो, पहले अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा, अगर मैं टाइम में उसमें टी प्लस टी नोट की शिफ्टिंग करता हूँ, तो क्या हो जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में? ई की पावर जे ओमेगा टी नोट हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस का आएगा, प्लस है तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो बस यहीं पे यही काम करना, देखो ये कितना हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले याद, देखो भाई, टी प्लस टी नोट है तो ई की पावर जे ओमेगा नोट टी हो जाता है, माइनस पे माइनस आ जाता है, यू टी का हमें पता ही है, वन अपॉन जे ओमेगा पाई टेल ओमेगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं इसी टाइप से। एफ टी का हो जाता है एफ ओफ ओमेगा, क्या हो जाता है?
एफ ऑफ ओमेगा। अब बताओ यू टी प्लस वन, तो प्लस से तो टी नोट की वैल्यू कितनी हो गई, वन, तो ये कितना हो जाएगा ई की पावर जे ओमेगा वन मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। एक्स ऑफ ओमेगा यानी यू टी, यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है। आगे माइनस, अब निकालो किसका, यू टी माइनस वन का, तो और टी नोट की जगह अगेन माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा माइनस, यहाँ पे बिल अगेन एक्स ऑफ ओमेगा कितना है, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो बस इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक बार एफ ऑफ ओमेगा मिल जाए हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ओमेगा, तो ये एक चीज कॉमन ले लूं मैं, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है, ये सब में आ रहा है तो इसको कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ई की पावर जे ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है, इतना बचा। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे टू से, टू जे से डिवाइड कर लेता हूँ और टू जे का ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये कितना बन गया, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन टू जे, ठीक है। जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन टू जे, तो इसे मैं क्या लिख लूंगा, थीटा की जगह कितना ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा एफ ओफ ओमेगा, कितना बन गया हमारा एफ ओफ ओमेगा आ गया मेरा वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा, ये बन गया e की पावर जे ओमेगा माइनस e की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन टू जे बन गया साइन ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टू जे, ठीक है। साइन ओमेगा के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा एफ ऑफ ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा, ये टू जे को फ्रंट पे लिख लेते हैं आगे, अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा साइन ओमेगा, ये हो जाएगा ना जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। अब यहां से देखो डेल ओमेगा के साइन ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी अगर याद हो तो, क्या प्रॉपर्टी थी, अगर एक्स टी के साथ डेल्टा टी का मल्टीप्लाई होता है, टाइम डोमेन की बता रहा हूँ, वो हर चीज के लिए ये रहेगा, टी हो ओमेगा हो कुछ भी हो, तो ये क्या हो जाता है एक्स ऑफ जीरो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये तो होता है, या मैंने फॉर्मूला ऐसे पढ़ाया था एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस, अगर टी नोट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स, यहाँ से टी की वैल्यू निकालो टी नोट हो जाएगी, तो इस वाले जो एक्स टी उसमें टी की जगह क्या रख देना मुझे टी नोट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी माइनस टी नोट, ये सेम ही तो है, ठीक है। डेल्टा अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा टी को मैं कैसे लिख लूंगा, डेल्टा टी माइनस जीरो, तो इसका मतलब टी नोट की वैल्यू कितनी है जीरो, तो मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगा, इसी तरह से ये फॉर्मूला बनाएगा, ठीक है। फिलहाल देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा इसके साथ मल्टीप्लाई आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा इसके इस ओमेगा की जगह मैं कितना रख दूंगा जीरो रख दूंगा, ठीक है, तो मेरा एफ ओफ ओमेगा कितना हो जाएगा, टू जे साइन ओमेगा अपॉन जे ओमेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पाई डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया जीरो, ठीक है, क्या बन गया है पूरा जीरो, तो हमारा जो अब यहां पे एफ ओफ ओमेगा बचा, क्या बचा एफ ओफ ओमेगा जो बचा मेरा कितना बचा टू जे, और ब्रैकेट में क्या बचा क्या साइन
ओमेगा अपॉन जे ओमेगा, जे से तो जे कट गया, ठीक है, तो कितना बचा केवल एफ ऑफ ओमेगा, टू साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा, काम बन गया, एफ ऑफ ओमेगा आ चुका है। अब जो है हमें यह जरूरत थी क्या थी, यहाँ पे देखो पहले मैं उस चीज को उतार लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या था जी ऑफ ओमेगा किसके बराबर था, जे अपॉन टू एफ ओमेगा प्लस पाई माइनस एफ ओमेगा माइनस पाई, ठीक है, मैं इसको नीचे कॉपी कर देता हूँ, कितना आ जाएगा ये, कितना था वो जी ऑफ ओमेगा जो था कितना था, जे अपॉन टू एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट सॉरी ओमेगा प्लस पाई, हमने वहां पे वैल्यू रख दी थी हाथ और, माइनस एफ ओमेगा माइनस पाई, ठीक है, एफ ओमेगा हमारा आ चुका है ये टू साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा, तो मैं एफ ओमेगा प्लस ओमेगा पाई क्या हो जाएगा, जहां पे ओमेगा ओमेगा प्लस पाई रख दूंगा, ठीक है, तो जी ओमेगा कितना आ गया, जे अपॉन टू टू जहां पे ओमेगा आ रहा वहां पे क्या रख दो पहले ओमेगा प्लस पाई, माइनस टू साइन, अब ओमेगा की जगह क्या रख दूंगा ओमेगा माइनस पाई अपॉन ओमेगा माइनस पाई, ठीक है, ये हो जाएगा। साइन ओमेगा प्लस पाई कितना होता है, एक बार मैं यहाँ पे अलग में सोल्व करके दिखाता हूँ क्या होता है साइन ओमेगा प्लस पाई, साइन ओमेगा प्लस पाई साइन ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, बी की जगह एक जगह ओमेगा बी की जगह पाई, तो साइन पाई जीरो आ गया, तो ये वाला टर्म तो पूरा ही जीरो हो गया, ठीक है, तो ये यानी साइन ओमेगा प्लस पाई किसका बचेगा, कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा प्लस पाई का साइन ओमेगा प्लस पाई की वैल्यू कितनी है माइनस साइन ओमेगा, अब साइन ओमेगा माइनस पाई की निकाल लेते हैं हाथों हाथ, कितना हो जाएगा ये साइन ओमेगा माइनस पाई, साइन ए माइनस बी लगा दो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये भी क्या हो जाएगा साइन ओमेगा कोस पाई माइनस कोस ओमेगा साइन पाई, ये भी पूरा अगेन जीरो हो गया, साइन पाई कोस पाई होता है माइनस वन, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस साइन पाई, तो दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है, इन वाली वैल्यूज को मैं ऊपर रख देता हूँ, तो मेरा जी ऑफ ओमेगा कितना आ गया, जे अपॉन टू साइन ओमेगा प्लस पाई हो जाए, ये माइनस का हो जाए माइनस टू साइन ओमेगा ओमेगा प्लस पाई, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा माइनस टू साइन ओमेगा, ठीक है, ओमेगा माइनस पाई, तो ये कितना आ गया जी ऑफ ओमेगा, जे अपॉन टू, ठीक है, माइनस टू साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस पाई, दो माइनस एक साथ आ रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, टू साइन ओमेगा ओमेगा माइनस पाई हो जाएगा, राइट, साइन टू साइन ओमेगा को बाहर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लो इसको, तो जी ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा जे अपॉन टू, ये बाहर आ गया टू टू साइन ओमेगा, तो कितना बचेगा टू साइन ओमेगा, अंदर क्या बचा माइनस वन अपॉन ओमेगा प्लस पाई वन अपॉन ओमेगा माइनस पाई, ठीक है, टू से तो यहाँ पे टू कैंसिल कर दो पहले, कितना आ गया जी ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना बचा यहाँ पे जे साइन ओमेगा, ठीक है, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा
ओमेगा प्लस पाई ओमेगा माइनस पाई, तो ओमेगा माइनस पाई की माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस ओमेगा प्लस पाई, और वन की इससे करेंगे सेम ही रहेगा ये ओमेगा प्लस पाई, ओमेगा टर्म कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो जी ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, जे साइन ओमेगा ऊपर कितना आ जाएगा ये पाई प्लस पाई टू पाई, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ओमेगा का स्क्वायर माइनस पाई का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया पूरा आंसर, जी ओमेगा कितना आ गया, इसको कैसे लिख लूंगा, टू जे पाई साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ये क्या हमारा आंसर ठीक है। जो क्वेश्चन गिवन था वो क्या था हमारा, जो क्वेश्चन गिवन था वो क्या था, साइन पाई टी यू टी प्लस वन माइनस यू टी माइनस वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमें मिला है वो कितना मिला है, टू जे पाई साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर ठीक है। तो काफी आसान था, ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर प्रॉपर्टीज याद है जितनी मैंने कराई है तो उसी से काम बन जाएगा ठीक है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को करते हैं ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।